हेलो स्टूडेंट वेलकम टू यूनी कोचिंग सेंटर मैं रवि सरोज़ और मैं आपको पढ़ाऊंगा मैथमेटिक्स तो बच्चों हमने कुछ क्वेश्चंस लिखा है और इन क्वेश्चंस को बच्चों बीटा फंक्शन का यूज़ करके बच्चों हमें क्या करना है सॉल्व करना है ठीक है बच्चों तो बच्चों हमने पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री वीडियोज़ बनाए हुए हैं तो प्लीज़ आप उसको जाइए सबसे पहले उसको देखिए तभी ये वीडियो जो है बच्चों कंटिन्यू रखे ठीक है बच्चों और बच्चों यदि आप हमारे चैनल्स पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें तो चलिए बच्चों हम क्वेश्चन नंबर वन स्टार्ट करते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर टू एंड क्वेश्चन नंबर थ्री अब बच्चों देखिए अगर मैंने अगर मैं बच्चों क्वेश्चन नंबर वन की अगर मैं बात करूं तो देखिए जिस प्रकार क्वेश्चन नंबर वन है उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर टू है और इसी प्रकार अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर थ्री भी है अब अगर आप बोलोगे सर यहाँ तो लिमिट जीरो टू इनपिनटी है यहाँ भी जीरो टू इन्फिनटी हैं ये तो सेम है बट ये तो चेंज है देखिए सेम ही है देखिए बट आपको समझना है देखिए बच्चों हमने यहाँ एम एन इक्वल टू देखिए ज़ीरो टू वन ज़ीरो टू वन एक्स की पावर एम माइनस वन वन माइनस एक्स का होल पावर कितना बच्चों एन माइनस वन इन टू कितना बच्चों डी एक्स ये आपका फर्स्ट फार्मूला है सेकेंड फार्मूला की अगर मैं बात करूँ बीटा एम एन इक्वल टू देखिए ज़ीरो टू इन्फिनिटी ज़ीरो टू इन्फिनिटी, ज़ीरो टू इन्फिनिटी, एक्स की पावर एन माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स का होल पावर एम प्लस एन इंटू कितना बच्चों डी एक्स ठीक है और बच्चों मैंने थर्ड यानी प्रॉपर्टी बताया था तो उसका थर्ड प्रॉपर्टी का इसमें यूज़ होगा नहीं ठीक है यानी सेकंड जो प्रॉपर्टी है इनका यूज़ होगा क्योंकि बच्चों यहाँ पे देखेंगे लिमिट जो बच्चों ज़ीरो टू तो इन्फिनिटी है यहाँ भी जीरो टू तो इन्फिनिटी है बट हमें एक्स की पावर एन माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स की पावर एम प्लस एन के फॉर्म में बनाना है ठीक है तो देखिए यहाँ पे वन प्लस एक्स है नीचे यहाँ भी वन प्लस एक्स है अब मुझे करना क्या है x की पावर n माइनस वन बनाना है बच्चों ठीक है बच्चों तो देखिए x की पावर n माइनस वन बनाने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा फर्स्ट क्वेश्चन देखिए तब समझ में आएगा आपको देखिए सबसे पहले बच्चों मैं सोल्यूशन लिखूंगा सोल्यूशन यानी क्वेश्चन नंबर वन ठीक है बच्चों अब देखिए सोल्यूशन बच्चों जब मैं वन स्टार्ट करूंगा तो देखिए सबसे पहले आई है तो आई आप लेट कर लीजिए इंटीग्रेशन सॉल्व कर रहे हैं तो ज़ीरो टू इन्फिनिटी है जीरो टू इन्फिनिटी ब्रैक यानी एक्स की पावर कितना है बच्चों एट है वन माइनस एक्स की पावर सिक्स यही है अपॉन वन प्लस एक्स का होल पावर कितना बच्चों ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर इंटू डी एक्स ये आपका क्वेश्चंस हो गया अब इस क्वेश्चंस को हम यानी इस फॉर्मेट में बनाएंगे तो सबसे पहले बच्चों x की पावर एट का अंदर मल्टीप्लीकेशन कर लें यही करेंगे ना तो देखिए ज़ीरो टू इनफिनिटी इसका भी आप अंदर से मल्टीप्लीकेशन करिए करिए और इसको भी अलग अलग करिए चलिए अच्छा हम एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं एक्स की पावर एट अब यहाँ पे बच्चों जब मल्टीप्लीकेशन करोगे तो एक्स की पावर एट है इंटू एक्स की पावर सिक्स है तो एट और सिक्स कितना होगा फोटीन होगा तो एक्स की पावर कितना हो जाएगा फोटीन अपॉन कितना बच्चों वन प्लस एक्स का होल पावर कितना बच्चों ट्वेंटी फोर कितना डी एक्स अब बच्चों यहाँ पे ध्यान देना हमें जब ऊपर ढेर सारे फंक्शंस मिल जाए यानी दो से अधिक ठीक है या दो फंक्शन या थ्री फंक्शंस फोर फंक्शंस और नीचे ओनली वन फंक्शंस हो या मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में हो तो बच्चों हम क्या करते हैं इनको अलग अलग कर लेते हैं क्या करते हैं अलग अलग कर लेंगे तो देखिए अलग अलग कैसे करते हैं तो देखिए सबसे पहले तो मैं इन क्वेश्चन को रब कर देता हूँ तो बच्चों आप इसी प्रकार क्वेश्चन को लगाएंगे यानी सेकेंड क्वेश्चन सेकेंड क्वेश्चन इसी प्रकार है ठीक है तो चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं देखिए ध्यान से यहाँ पे देखिए बच्चों हम इनको अलग अलग लिख सकते हैं i इक्वल टू मैंने लिखा ज़ीरो टू इन एक्स की पावर एट एक्स की पावर एट अपॉन कितना बच्चों वन प्लस एक्स का होल पावर कितना बच्चों ट्वेंटी फोर इन टू डी एक्स इधर भी मल्टीप्लीकेशन करते चलिए जीरो टू इंफिनिटी एक्स की पावर कितना बच्चों फोर्टीन अपऑन वन प्लस एक्स का होल पावर कितना बच्चों ट्वेंटी फोर इन टू कितना बच्चों डी एक्स अब यहाँ पे ध्यान से देखिए मुझे क्या करना है एन माइनस वन बनाना है क्या बनाना है एन माइनस वन देखिए तो यहाँ पे क्या लिखोगे बताइए जीरो टू इन्फिनिटी इसमें से एक घटाना है तो x की पावर नाइन माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स अब देखिए अगर ये बच्चों नाइन है तो देखिए यहाँ नीचे क्या है m प्लस एन है तो नाइन की वैल्यू n होगी तो m की वैल्यू कितना होगा नाइन और प्लस यानी कितना बच्चों ऐड करें कि ट्वेंटी फोर आ जाए कितना ऐड करेंगे देखिए अगर आपको नहीं समझ में आता है देखिए यहाँ पे नाइन मैंने लिखा और मुझे कितना ऐड करना है देखिए ट्वेंटी फोर आप इसमें माइनस कर दीजिए तो देखिए कितना गया, फोर्टीन में से अगर बच्चों नाइन घटाएँगे तो कितना मुझे मिलेगा यानी फिफ्टीन यही मिलेगा ना फिफ्टीन मिलेगा तो देखिए यानी मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ यानी फिफ्टीन प्लस नाइन या नाइन प्लस फिफ्टीन कुछ भी लिखिए कुछ भी लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ देखिए m प्लस एन है तो यानी अगर 24 है तो यहाँ 9 है तो आप यहाँ 9 ही लिखिए 9 प्लस फिफ्टीन नाइन प्लस फिफ्टीन तो देखिए इसकी पावर अगर ऐड करेंगे 24 मिलेगा इन कितना बच्चों dx एक्स माइनस ज़ीरो टू इनफिनिटी आप देखिए यहाँ x की पावर कितना है बच्चों 14 है 14 है तो 15 माइनस वन अब इसको रब कर सकता हूँ आप अब समझ गए होंगे हमें क्या करना है बच्चों ठीक है देखिए। अब मुझे क्या करना है यहाँ पे वन प्लस एक्स का होल पावर यानी ट्वेंटी फोर फिर अगेन यहाँ देखिए फिफ्टीन है फिफ्टीन प्लस नाइन होगा जी ना इन कितना बच्चों डी एक्स अब बच्चों देखेंगे उस फॉर्मूले से अगर आप मैच करेंगे तो ये बीटा एम एन के क्या होगा बच्चों इक्वल होगा तो देखिए इस फॉर्मूले को हम लिखेंगे यहाँ पे देखिए यहाँ नाइन है यहां क्या है बच्चों फिफ्टीन तो मैं क्या लिख सकता हूं बीटा नाइन कामा फिफ्टीन लिख सकता हूँ कि नहीं माइनस यहाँ माइनस है अब इसी प्रकार इसको भी देखिए बच्चों बीटा यहाँ क्या फिफ्टीन है फिफ्टीन फिफ्टीन का बच्चों कितना नाइन अब देखिए मैंने प्रॉपर्टी बताया था सिमेट्रिकल की सिमेट्रिकल की प्रॉपर्टी मैंने क्या बताया था बताओ जल्दी से बीटा टा एम एन इक्वल टू बीटा एन एम बताया था कि नहीं अगर मैं बच्चों इसको अगर मैं प्रश्नता करूंगा, तो देखिए इसकी वैल्यू क्या आ रही है जल्दी से बताइए ज़ीरो आएगा देखिए यानी आप बच्चों इसको सॉल्व भी अगर करोगे बीटा एम एन तो मैं इसको क्या लिखूँ गामा नाइन लिखूंगा गामा फिफ्टीन लिखूंगा अपॉन कितना बच्चों नाइन प्लस फिफ्टीन इसी प्रकार इसको भी सॉल्व करेंगे तो बच्चों क्या होंगे एक दूसरे ये क्या करेंगे कैंसिल आउट करेंगे ठीक है तो इसके बच्चों पूरी वैल्यू कितनी निकल के आएगी जीरो ठीक है तो इस तरह के क्वेश्चन आसान है कि नहीं बहुत आसान है बच्चों आप इस तरह के क्वेश्चन लगा सकते हो ठीक है आप देखिए जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है तो थर्ड क्वेश्चन में बच्चों कुछ भी नहीं करना है इसी प्रकार आप लगा सकते हो कोई दिक्कत नहीं होगा देखिए हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं करना क्या है आपको सेम इसी प्रकार ही करना है देखिए बच्चों मैंने ये बताइए बीटा एम एन इक्वल टू आपको बताया था क्या बताया था ज़ीरो टू वन एक्स की पावर एम माइनस वन इन वन माइनस एक्स का होल पावर एन माइनस वन इन कितना बच्चों डी एक्स अब बच्चों अगर बच्चों मैं इसको ज़ीरो टू इन्फिनिटी के फॉर्म में लिख दूँ जीरो टू इन्फिनिटी एक्स की पावर एन माइनस वन अपान वन प्लस एक्स का होल पावर एम प्लस वन इंटू कितना डी एक्स अब ध्यान से समझो यहाँ पे ध्यान से समझना ये चीज़ ये जो लिमिट है जब मैंने इसका बच्चों प्रूविंग बताया था अगर आप सेकेंड लेक्चर्स नहीं देखे हैं प्रॉपर्टी ऑफ बीटा फंक्शन का आप उसको देखिए और नहीं तो बच्चों आप इस क्वेश्चन को अगर आप बच्चों जब सॉल्व करोगे ना ये बहुत लंबा चला जाएगा मैं रियली बता रहा हूँ बहुत लंबा होगा ये क्वेश्चंस अगर आप यानी आप कुछ मान के अगर सॉल्व करोगे तो बहुत लंबा हो जाएगा आप बुक में देखेंगे ये क्वेश्चंस बहुत लंबा प्रोसेस सॉल्व किया है ठीक है आपको करना क्या है देखें अगर बच्चों लिमिट्स आप देखिए ज़ीरो टू वन है तो यहाँ भी तो ज़ीरो टू वन है मैं जीरो टू वन को मैं किस में कन्वर्ट किया था ज़ीरो टू इन्फिनिटी में कन्वर्ट किया था कि नहीं तो यहाँ भी मुझे क्या करना है ज़ीरो टू वन को बच्चों हमें चेंज कर देना है किस में बताइए जल्दी से ज़ीरो टू इन्फिनटी में अगर बच्चों मैं चेंज कर दूंगा देखिए यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ बताइए जल्दी से इक्वल टू लिख सकता हूँ देखिए लिमिट इंटीग्रेशन ज़ीरो टू इन्फिनटी लिख दूँ डायरेक्ट चलेगा आप इसको सॉल्व करना x की पावर थ्री अपॉन कितना बच्चों वन प्लस एक्स का होल पावर कितना बच्चों सेवन माइनस यहाँ भी मैं लिख सकता हूँ ज़ीरो टू इन्फिनिटी देखिए जीरो टू इन्फिनिटी टू बाहर ले लीजिए एक्स की पावर फोर ब्रैकेट में वन प्लस एक्स का होल पावर सेवन इंटू कितना डी एक्स चलिए इसके बाद बच्चों फाइव यानी ज़ीरो टू तो इन्फिनटी एक्स की पावर कितना बच्चों फाइव अपान बच्चों वन प्लस एक्स का होल पावर कितना बच्चों सेवन इंटू कितना डी एक्स अब बताइए सॉल्व कर लोगे कि नहीं अब तो सॉल्व हो जाएगा ना ये फार्मूला अप्लाई करिए बीटा एम एन के इक्वल लिखिए देखिए यहाँ पे क्या आएगा चलिए मैं बता भी देता हूँ यहाँ देखिए थ्री है यहाँ क्या मिलेगा फोर यहाँ अगर फोर होगा तो ये मैं इसको फोर प्लस थ्री के रूप में तोड़ूंगा तो यानी बच्चों यहाँ क्या मिलने वाला है यानी फोर कामा बच्चों थ्री मिल जाएगा ठीक है यहाँ टू टाइम्स यहाँ क्या मिलने वाला है बताइए जल्दी से यहाँ फाइव माइनस करोगे फाइव यानी प्लस फाइव प्लस टू कितना सेवन तो बच्चों यहाँ क्या मिलेगा फ़ाइव का टू मिल जाएगा चलिए प्लस इसके बाद बच्चों यहाँ पे क्या है फाइव है तो यानी सिक्स माइनस वन तो यानी पहला क्या होगा सिक्स माइनस सिक्स का माँ सिक्स प्लस वन यानी कितना सेवन यानी सिक्स का वन तो बच्चों अब तो इसको सॉल्व कर सकते हो कि नहीं तो आप इसको सॉल्व करिए ठीक है आप सॉल्व करिए अगर नहीं आता है तो प्लीज़ आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पे ये क्वेश्चन सेंड करिए हम आपको बताएंगे इसका आंसर्स कितना आएगा तो बच्चों आप इसी प्रकार क्वेश्चंस को लगाते रहिए अगर क्वेश्चंस में प्रॉब्लम्स होगा तो आप पूछते रहिए क्वेश्चंस को तो बच्चों आज का लेक्चर हम यहीं पे फिनिश करते हैं थैंक यू वेरी मच